हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी आज पहली बार केरल के दौरे पर हैं। पीएम यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम ने श्रीकृष्ण मंदिर और आंध्र प्रदेश के तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार दक्षिण के राज्यों के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर अपनी संसदीय सीट केरल के वायनाड पहुंचे, जहां राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार राहुल अपने संसदीय क्षेत्र में जनता से रूबरू हुए, यहां मतदाताओं का उन्होंने आभार व्यक्त किया। राहुल ने 2019 का लोकसभा चुनाव दो सीटों से लड़ा था। यूपी कमेटी लोकसभा सीट पर उन्हें करारी हार मिली, लेकिन केरल के वायनाड सीट पर उन्हें शानदार जीत मिली। राहुल गांधी का यह दौर अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि आम चुनाव में पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष जनता के सामने आए, और वो भी अपने संसदीय क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इसी क्रम में गुरुवार देर रात पुलवामा में शुरू हुए एनकाउंटर में 4 सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। उन 4 आतंकियों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ भी शामिल है, जो गुरुवार शाम एक सर्विस राइफल लेकर फरार हो गया था। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिसे देखते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इस इलाके में छिपे आतंकियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, ऐसे में सुरक्षा बलों पर पूरा जिम्मा सुरक्षा व्यवस्था का है। अमरनाथ यात्रा अक्सर आतंकियों के निशाने पर रहती है, ऐसे में घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पूरे देश में माहौल गर्मा गया है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि अलीगढ़ में छोटी सी बच्ची की हत्या से यूपी हैरान है और मैं परेशान। कहा कोई इंसान किसी बच्चे के साथ इतनी निर्दयता कैसे कर सकता है, इस भयानक अपराध में बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जा सकता। यूपी पुलिस को न्याय करने के लिए तेजी से काम करना होगा, जिससे हत्यारे पकड़े जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, अलीगढ़ की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य घटना ने हिलाकर रख दिया है। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं, बच्ची के माता पिता पर क्या गुजर रही है, ये सोचकर दिल दहल जाता है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि अलीगढ़ के टप्पल इलाके में गरीब परिवार रहता है। 2.5 साल की बच्ची 30 मई को उस वक्त गायब हो गई जब वो घर के बाहर खेल रही थी। 2 जून को उसकी लाश कूड़े के ढेर में मिली। इस बात को करीब 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस आरोपियों को जेल भेज चुकी है। हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में बैठक पर सियासत गर्म है। पार्टी के भीतर हाथ पर पंथन के बीच आरोप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर लग रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में हुई इस बैठक की गर्माहट हरियाणा तक महसूस की जा रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर नेताओं ने हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अपने ऊपर आरोपों पर तंवर ने कहा, मुझे गोली मार दो। प्रदेश के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान तेल देखो और तेल की धार देखो पर वार करते हुए कहा कि अभी तेल देख रहे हैं, जिस दिन तेल की धार पड़ेगी उस दिन देखेंगे कि तेल की धार कहां पड़ रही है और किसके साथ मुकाबला होगा। बेदी ने कहा कि आज बीजेपी का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। अशोक तंवर के बयान पर चुटकी लेते हुए बेदी ने कहा कि वर्किंग कमेटी में कांग्रेसी नेताओं को चटनी करके अंदर जाने देना चाहिए, जूते चप्पल भी निकलवा देने चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई हथियार लेकर ना चला जाए और गोलियां ना चला दे। बेदी ने कहा, कांग्रेसियों में सत्ता की भूख है, सत्ता के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो को एक और बड़ा झटका लगा है। इनेलो विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इसकी पुष्टि खुद बलवान सिंह दौलतपुरिया ने की है। जानकारी के मुताबिक आज शाम 7 बजे विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में बीजेपी का दम थामेंगे। अब बता दें, इससे पहले रणवीर सिंह गंगवा और केहर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि नसीब अहमद इनेलो छोड़ कांग्रेस को शामिल हो चुके हैं। इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला ने पंचकुला का दौरा किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता सरकार से नाखुश है और देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोगों को दोबारा मौका मिले। साथ ही कहा कि सबसे ज्यादा खतरनाक डिक्टेटर जर्मनी के हिटलर को माना गया है। हिटलर चाहे कितना ही खूंखार था लेकिन हिटलर ने जो विकास किए हैं उससे जर्मनी नंबर एक पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं। रेवाड़ी में कथित रूप से चमत्कारी पानी का मामला लगातार फूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल अब मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल्स लेकर उसकी जांच की। जांच में सामने आया कि पानी में बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से पानी पीने के लायक नहीं है। मामले में अभी और जांच रिपोर्ट आनी बाकी है जिसके बाद मामले में कुछ खुलासा होगा। बता दें कि लोगों का मानना है कि पीने से शुगर और त्वचा रोग जैसी बीमारियां इस पानी के ठीक हो रही हैं जिसके चलते हजारों की संख्या में लोग कुएं का पानी लेने के लिए आ रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एसजीएम नगर में गंदे पानी को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। नाराज लोगों ने निगम कमिश्नर के घर के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक घरों में कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है जिसको लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई। के गांव डेरा संजय नगर में पिछले एक साल से लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या का ना तो सरकार कोई हल निकाल रही है ना ही पब्लिक हेल्थ विभाग इनकी कोई सुनवाई कर रहा है। पिछले एक साल से गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि पीने के पानी में रेत के साथ साथ बदबू भी आती है जिससे लोगों में पानी की समस्या के चलते पथरी की बीमारी फैल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल जांच अधिकारी पानी का सैंपल लेकर गए थे लेकिन अभी तक उनका कोई संदेश नहीं आया था। नहीं गांव में सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में पब्लिक हेल्थ के एसडीओ का कहना है कि यहां किसी घर की पाइपलाइन की समस्या है और उसको जल्द ही ठीक कर दिया जाए। सोना में एक युवक ने शराब ठेकेदार और पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मामला दरअसल सोना का जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। युवक का कहना है कि जब रात करीब 12 बजे अपने ऑफिस से घर जा रहा था तब उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। उसने कहा कि सामने से आ रही एक बुलेरो गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और उसके बाद गाड़ी की तलाशी लेने की बात कही लेकिन जब पीड़ित ने तलाशी देने से मना किया तो युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और गाड़ी में डालकर भौंडसी गांव के जंगल में उसकी जमकर पिटाई की। युवक आरोप है कि इन सब में बदमाशों के साथ एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। इतने में जब बदमाशों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने युवक की गाड़ी में शराब की पेटियां भरकर भौंडसी जेल के सामने खड़ी कर दी। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो पाया है। रादौर में चाकू की नोक पर दिन दहाड़े 4 लाख की लूट का मामला सामने आया जहां नकाबपोश बाइक सवार दो युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें गांव गुमथला के सरपंच कृष्ण मेहता से लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में जुटलाना पुलिस ने नाकेबंदी की। साथ ही पुलिस और सीआईए की टीम ने मौके का मुआयना कर जांच की शुरुआत कर दी। पानीपत के जलमान गांव के खेत में एक शवपड़ा मिला जिसकी सूचना खेत के मालिक ने थाना बापौली पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान बापौली निवासी 32 वर्षीय संजीव के रूप में हुई। मृतक संजीव बापौली अनाज मंडी के पास हरियाणा वेयरहाउस के गोदाम पर चौकीदार का काम करता था। मृतक के परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं है लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सोनीपत के गांव कुंडली में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का मानना है कि मृतक मानसिक रूप से परेशान था और भूख प्यास और गर्मी के कारण युवक की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। चरखी दादरी के रामनगर से 9 किलोमीटर पैदल प्रदर्शन करते हुए किसानों ने लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें मुआवजा राशि बढ़वाने की मांग को लेकर 17 गांव के किसान पिछले 103 दिनों से धरना दे रहे हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुआवजा राशि नहीं बढ़ी तो 11 तारीख को रेल रोकिंग और 15 तारीख को प्रदेश बंद करेंगे। किसान कमेटी के प्रधान अनूप ने कहा कि 17 गांव की करीब 680 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है जिसकी मुआवजा राशि कलेक्टर रेट के अनुसार जो पिछले काफी सालों से बढ़े ही नहीं।
कहा कि पुराने रेट के आधार पर ही उन्हें पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उनकी जमीन की मार्केट वैल्यू 50 से 60 लाख रुपए है, इसलिए वे मुआवजा राशि 2.5 गुना बढ़ाकर 1.9 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बनती है। प्रशासन को तुरंत प्रभाव से मार्केट वैल्यू के आधार पर मुआवजा राशि घोषित करनी चाहिए। नशीली दवाओं की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने युवक को नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि महेंद्र नाम का युवक फतेहाबाद में दवाई सप्लाई करता है और लंबे समय से इस काम में लगा हुआ है, जिसे पुलिस ने पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपी से हजारों की तादाद में नशीली गोलियां और 21 नशीली दवाओं की बोतलों के बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी है और कोशिश कर रही है कि सभी ठिकानों का पता लगाया जा सके। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन जो अब धरातल पर इसकी हकीकत जांची जाए तो ये कुछ और ही बयां करते हैं। कैथल के श्री गुरु गोविंद सिंह खेल स्टेडियम में खिलाड़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर न पीने के पानी की व्यवस्था है, न शौचालय है और न ही बिजली। तहने स्टेडियम में कोई कोच भी नहीं आता, जिससे स्टेडियम एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब खिलाड़ी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। कुलाना मंडी में लोगों ने आज एक नई मिसाल कायम करते हुए साबित कर दिया कि सेवा किसी विशेष दिन की मोहताज नहीं है। रेलवे फाटक के समीप मार्केट के लोगों ने इकट्ठे होकर आज सुबह 10 बजे से पानी की छबील लगाई और राहगीरों की प्यास बुझाई। ये सेवा आज दिन भर चली। पंजाब के आनंदपुर साहिब में लगभग 50 दुकानों में आग लग गई, हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। साग से लगभग 300 परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात तख्त श्री केशवगढ़ साहिब के सामने बने अस्थायी दुकान में आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि आसपास की गाड़ी पक्के मकानों और दुकानों तक को अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते कुछ ही मिनटों में लगभग 50 से ज्यादा दुकानें आग में जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1 घंटा लेट पहुंची, जब तक आग ने अपना तांडव मचा दिया, फिर भी काफी हद तक आग पर काबू पाया गया। जुराना के पोली गांव के पास रोहतक से जींद की ओर जा रहा एक तेल का टैंकर बेकाबू होकर ड्रेन में जा गिरा और उसमें आग लग गई। हादसे के दौरान चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने ट्रैफिक को दोनों ओर से रुकवाया और लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नानौल के गांव निवाज नगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला पर उसकी बहू जुल्म ढा रही। महिला पर अत्याचार का वीडियो वायरल हो रहा है, मामले ने जब खून पकड़ा तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग महिला को अपने पास रखकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। प्रदेश में चोरों और बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसका ताजा मामला बेरी में देखने को मिला। चोर एक किराने की दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और 40,000 की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। जब दुकान मालिक मौके पर पहुंचा तो उसे इस घटना की जानकारी मिली। दुकानदार ने सारा सामान बिखरा देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गोहाना ट्रैफिक पुलिस ने शहर में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने शहर के बस स्टैंड समेत कई चौक पर अभियान चलाकर करीब 100 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान किए हैं, जिसमें बिना लाइसेंस बिना हेलमेट और सड़क किनारे अवैध पार्किंग करने वाले चालक शामिल हैं। पुलिस के इस अभियान से जहां सड़क हादसों में कमी आएगी, वहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी अंकुश लगेगा। प्रदेश में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला घोला चीका के वार्ड नंबर 10 का है, जहां चोरों ने एक साथ दो घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे नकदी और लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ किया। सरजीत सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें चोरों की भनक लगी, उन्होंने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से फायर किया, जिससे चोर नकदी लेकर भाग खड़े हो। पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की मदद से जांच की जा रही है। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे वर्कशॉप में शुक्रवार को काम के दौरान एक हादसा हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दो स्थायी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी वर्कशॉप में सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रेन की बोगी को प्रेशर दे रहे थे, तभी अचानक से स्प्रिंग निकला और बोगी उलट गई। हादसे के बाद दोनों कर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की गंभीर हालत के चलते उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया।
मामले में रेलवे के वर्कशॉप के प्रमुख से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया के अंदर देखी कि लोगों का कहना है कि वर्कशॉप के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उनमें सुरक्षा का कोई भी उचित पैमाना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी देते हुए कहा कि वो चीनी वस्तुओं पर फिर से 300 अरब डॉलर का टैरिफ लगा देंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि चीन और मेक्सिको अपने व्यापार विवाद को दूर करने के लिए समझौता करेंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अगर एक तरफा तरीके से व्यापारिक तनाव बढ़ाएगा तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन इंडिया बुल्स में हिस्सेदारी कर सकती है। अमेरिका और भारत का यह सौदा करीब 7000 करोड़ रुपए में हो सकता है। इस डील की खबर से इंडिया बुल्स के शेयर्स में 5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। महिला वर्ल्ड कप 2019 का आज पहला दिन है। फीफा वर्ल्ड कप में कुल कई टीमें हिस्सा लेंगी। आज से पेरिस में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 24 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले मैच में मेजबान टीम फ्रांस और दक्षिण कोरिया का आमना सामना होगा। दरअसल ये पहला मौका है जब फ्रांस की राजधानी पेरिस इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले के 7 बार हुए विश्व कप के खिताब को अमेरिका 3, जर्मनी 2, नॉर्वे 1 और जापान 1 बार जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि ब्राजील, चीन और स्वीडन की टीमें इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय कर चुकी हैं। वर्ल्ड कप में पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में अपने दमदार प्रदर्शन से पाकिस्तान एक प्रबल दावेदार बन गया है। आज पाकिस्तान का तीसरा मुकाबला श्रीलंका से है। आज देखना होगा कि पाकिस्तान अपनी जीत बरकरार रख पाएगा या फिर एक बार फिर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका है। पाकिस्तान को पहले मैच में वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम के अनुभवी खिलाड़ियों ने मजबूत टीम इंग्लैंड को मात देकर सभी को हैरान कर दिया। इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने 14 रनों से जीत हासिल की थी। आखिरकार भाईजान के फैंस ने उन्हें ईदी दे ही दी। सलमान की फिल्म भारत ने पहले दिन 42.30 करोड़ रुपए की बंपर कमाई की है। आपको बता दें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई ज्यादातर फिल्मों ने रिकॉर्ड बनाए हैं और अब बारी फिल्म भारत की है। भारत को न सिर्फ फैंस का बल्कि क्रिटिक्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बता दें कि इन आंकड़ों के साथ फिल्म भारत सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों में तीसरे पायदान पर है। इससे पहले आमिर खान की फिल्म टैक्स ऑफ हिंदुस्तान ने इतनी ओपनिंग ली थी। इस साल ईद पर सलमान की फिल्म भारत ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग कर ली है, तो वहीं जाते जाते सलमान उनके फैंस के लिए अगले साल की ईद काफी इंतजाम कर गए। उनकी अगली फिल्म इंशाअल्लाह अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान के अलावा आलिया भट्ट भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। ये सलमान आलिया के साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म इंशाअल्लाह का निर्देशन संजय लीला भंसाली करेंगे। मेकर्स ने अभी तक इस बात को ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया था, लेकिन कल फिल्म क्रिटिक तरुण आदर्श ने ट्वीट के जरिए इसकी घोषणा कर दी। देखना होगा कि क्या इस साल की तरह साल 2020 में भी ईद पर भाईजान का बोलबाला रहेगा और फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड कायम करेगी या नहीं। ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सुपर 30 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक को उनकी अगली फिल्म के लिए 48 करोड़ की मोटी रकम दी जा रही है। फिल्म में ऋतिक के अलावा टाइगर श्रॉफ भी लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म के लिए टाइगर भी अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है और फिल्म में एक्शन सीन्स भी टॉप क्लास होंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म अगले साल अक्टूबर में रिलीज होगी। चलिए सुपरफास्ट खबरों पर फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।